हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं आप सबको कि ये हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद तैयार की है, और एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह अति महत्वपूर्ण को कतई जहर बिहार एसएससी और आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है, मैंने खुद तैयार किए हैं और आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो थोड़ा टाइम निकाल कर जरूर सुने, वरना आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ये किसने कहा था? मौलाना आजाद ने। किसने कहा था? मौलाना आजाद ने। सबसे पहले भारत आया था कौन? तो पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डिगामा। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था कौन? तो अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया कहाँ पे? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में। अगर आपको मेरा ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, किसके अनुमति से? तो जहांगीर के अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा 1505। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा पहला पुर्तगाली, और सेकंड कौन था? अल्बुकर्क, सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसको आप याद कैसे रखेंगे? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहले पहला अल्मोड़ा, अल्मोड़ा ने मोड़ के किसको लाया? अल्बुकर्क को। तो पहला अल्मोड़ा, दूसरा अल्बुकर्क, मोड़ दिया। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डेन हॉल, मिल्डेन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। विश्व का सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे बड़ा द्वीप समूह हो गया इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप हो गया ग्रीनलैंड। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे? तो सिक्किम में। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान को निकोबार से। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में। लक्षद्वीप निर्मित है परवाल से, किससे? परवाल से। बोडो जनजाति पाई जाती है गोरो पहाड़ियों में, कहाँ पे? गोरो पहाड़ियों में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। सहरिया जनजाति है राजस्थान के बारा जिले, राजस्थान के बारा जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। दामोदर सहायक नदी है किसकी? तो हुगली की। थोड़जोल कौन, थोड़जोल क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हिमाचल प्रदेश। सात पर्वतों का नगर किसको कहते हैं? रोम को। मृत सागर स्थित है कहाँ? इजराइल एवं जॉर्डन के बीच। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? वनखट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल बिहार में है, 1575 किलोमीटर है इसका लंबाई। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था किसने? तो अकबर ने बनवाया था 1572 ईस्वी में। अकबर ने चितौड़ पर विजय की प्राप्त की कब? 1567 ईस्वी में। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा अंत किया। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया किसने? तो अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म शुरू किया किसने? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने 1582 में।
बिरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास। क्या था? महेशदास। फैजी तथा बिरबल कौन था? अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, 1608 से 1611 ईस्वी। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। कौन था? अर्जुमन बानो बेगम। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। रोटी की डालियां कहलाता है यूक्रेन, यूरोप। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। वर्षा की मात्रा मापी जाती है नेफ्रोमीटर में। किसमें? नेफ्रोमीटर में। भारत का दक्षिणतम द्वीप क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप। कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, डेविस जल संधि। समुद्री जल की औसत लवणता 35%। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ पे? फंडी की खाड़ी में। कहाँ पे? फंडी की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। डक्कन पास स्थित क्या है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बुलबुल परियोजना कहाँ पे होता है? झेलम नदी पर। एशिया का बंजर भूमि थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। पारा उत्पादन में अग्रणी देश है स्पेन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या यूएसए तथा कनाडा में है। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? बटाविया। गंधक उत्पादन में अग्रणी है यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉइट, उत्तरी अमेरिका। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है कहाँ पे? तो ध्रुवों पे। कहाँ पे है? पृथ्वी का ध्रुवों पे है। इसका आंसर ध्रुवों पे हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्टाम्बोली ज्वालामुखी। क्या कहलाता है? स्टाम्बोली ज्वालामुखी। 10 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा और से 180 डिग्री देशांतर रेखा 1884 से। कोडईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कहाँ पे? पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? एलिफेंटा के पास। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। किसके लिए? फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। क्या है? राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान किसको कहते हैं? किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका। सोने की खान किसको कहते हैं? जोहान्सनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है किस? भूमध्य रेखीय। अखबारी कागज का उत्पादक देश कनाडा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग नदी। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। महरौली लोह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहलाता क्या है? राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। प्रथम संस्थापक था धर्म था विष्णुगुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित की? कन्नौज। थानेश्वर से कहां स्थापित की? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की है हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आया। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सी यू की। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हेनसांग।
क्या कहलाता है? हैनसांग, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि हैनसांग। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर 1/6। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ पे? प्रयाग में। कहाँ करता था? प्रयाग में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्ला एवं आगा खान। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया कब? 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है लाला हरदयाल द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता कौन है? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के प्रणेता एनी बेसेंट। गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 ईस्वी में। काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को, किसको? रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो में कहा था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1960 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ, कौन था? बृहदर्थ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन थे? ड्रोमेटियस प्रथम। ड्रोमेटियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कितना? 2। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिवुक। दशराज युद्ध लड़ा गया पदुसनी और रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने, किसने? हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में, कौन से काल में? गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए थे सात वाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने। आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। 10 मिनट में हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश किए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।